जाए पर सेवा पर उपकार में हम जग जी दुखी भूलो मिलो ये सेवक बन संताप हरे जो हम करके नेतृत्व करने वाले हमारे जुझारू कि आज के कार्यक्रम पे आमंत्रित करूंगा राम गोमती के अध्यक्ष और इंद्रानगर करी है संजय सोनकर जी का। हमारे नगर के अध्यक्ष श्री प्रदीप अग्रवाल जी, राष्ट्रीय नगर अध्यक्ष युवा के श्री जावेद देव, युवा के महामंत्री श्री आकाश गौतम जी, सुरेश सावलानी जी, जहाँ पर आजकल आप देख रहे हैं विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, चाहे कोई भी हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो, सभी लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, भाषा के नाम पे एक दूसरों को लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा व्यापार मंडल आप देख रहे हैं, समाज एकजुट हो, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा हो, इसलिए कम पूंजी का व्यापारी हो या बड़ा उद्योगपति हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, सबको एकजुट करना, ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। आज यहाँ नीलगिरी कॉम्प्लेक्स व्यापार मंडल का शपथ ग्रहण समारोह है, इससे ट्रांसगोमती क्षेत्र में और फैजाबाद रोड पर व्यापारी शक्ति एकजुट हो रही है। आप देख रहे हैं यहाँ सैकड़ों व्यापारी मौजूद हैं। आज की तारीख में ई कॉमर्स कंपनियों से और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खुदरा में प्रवेश करने से और GST की विसंगतियों से व्यापारी परेशान है। GST का जो जगह जगह विभाग के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं GST के अधिकारी, उससे व्यापारी परेशान है। इन सब परेशानियों से हम तब निपट सकते हैं जब हम एकजुट, हम संगठित हों। इसलिए सारे व्यापारियों को एकजुट करने का काम अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल कर रहा है। यहाँ का जो संगठन बनेगा निश्चित रूप से वो ट्रांस गोमती और इंदिरा नगर के व्यापारियों को एक नई ताकत देगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जो स्थितियाँ पैदा हो रही हैं वो ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों को व्यापार जगत की समस्याओं को प्राथमिकता पर लेना पड़ेगा, और अगर सरकार इसमें गंभीर नहीं होगी तो बहुत जल्दी एक बड़ा आंदोलन अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इस दिशा में करेगा, जैसा कि पिछले दिनों हमने किया। अभी आपने कहा कि कम पूंजी में व्यापार हो सके, इसका आपने कोई प्लान है क्या, कैसे करेंगे इसके लिए बताएंगे? बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को व्यापार मंडल भी ज़मीन पर उतारेगा कि कैसे हम जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दे सकें। इसकी कुछ योजनाएं व्यापार मंडल जल्दी लाने वाले हैं।